वो सिकंदर हमारे देश पर अधिकार करना चाहता है और उसके लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। अपने सामने उठी हर एक उंगली को वो सिकंदर तोड़ने की मंशा रखता है, और यदि ये उंगलियां एक मुट्ठी बन जाए तो इस मुट्ठी को तोड़ने का बल उस अलेक्जेंडर में नहीं, उस सिकंदर के विरुद्ध हमें इस मुट्ठी के भांति बनना होगा, एक जुट होना होगा। और यदि हम अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक हो गए तो ये मेरा वचन है आप सभी से कि वो सिकंदर एक तिनका भी नहीं ले जा पाएगा यहां से। मैं आपका समर्थन करने को तैयार हूं, किंतु आप आग से खेलने जा रहे हैं। अलेक्जेंडर का सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं। बचपन बीते हुए तो युग बीत गया है महाराज, अब तो मातृभूमि के लिए सर काटने और कटाने का खेल खेलना। और रही बात उस आग की, तो माँ झेलम के आशीर्वाद से उस सिकंदर नाम की आग को भी बुझा दूंगा मैं। कह चुका हूं उस सिकंदर को एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं ले जाने दूंगा भारत से। सूखी हुई बिखरी मिट्टी में यदि जल मिला दो तो वो एकजुट होकर एक आकार ले लेती है। हम सब भी उस सूखी मिट्टी की भांति हैं, जिसमें राष्ट्र प्रेम और एकता का जल मिला दो तो भारत के वास्तविक रूप का आकार ले लेगी, जो इतनी विशाल होगी कि उस अलेक्जेंडर की सेना हमारे सामने तिनके की भांति लगेगी। मुट्ठी बनेगी तो युद्ध करने में आनंद आएगा। तक्षशिला ने अपने लाभ के लिए तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। देश का शीश शर्म से झुका दिया। जो तक्षशिला भारत के इतिहास के लिए सुनहरे पृष्ठ लिख सकता था, उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक काला अध्याय लिख डाला। आज का सूर्योदय भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ग्रहण सिद्ध होगा। भारत का एक राजा अपने हित के लिए एक विदेशी आक्रमणकारी की गर्दन काटने के लिए तलवार नहीं उठाएगा, बल्कि उसके गले में पुष्पों का हार डालेगा। जिसके हाथ काटने थे उसके सामने हाथ जोड़ेगा। हवा का क्या है? आज इस ओर से तो कल उस ओर से बहेगी। कुछ दिनों के लिए अलेक्जेंडर को भारत के आतिथ्य का आनंद लेने देते हैं और तक्षशिला नरेश अंबिराज को अपने विश्वासघात का उत्सव मनाने देते हैं, क्योंकि उचित समय आने पर दोनों को अपने किए का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। सिंह को हराना आसान है पुरु, सियार को नहीं। अलेक्जेंडर से पहले भी कई आक्रांताओं ने पूरे विश्व को अपने ध्वज के तले लाने का स्वप्न देखा है। जानते हो उनमें और अलेक्जेंडर में क्या अंतर? वो अपनी विजय के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और अलेक्जेंडर ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया।